बहुत ही मज़ा आया मुझे, और लगा ही नहीं कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, ख़ास तौर से आप सबके प्यार की वजह से। और मतलब ये लॉन्चिंग हुई है मेरी दोबारा से, एक दूसरी इंडस्ट्री मुझे दिख गई है है ना, तो और बहुत ही क्रिएटिव काम हो रहा है, हर बहुत सारी मैंने मराठी फिल्में देखी हैं, और जिस तरह के आइडियाज़ आप लोग लेकर आ रहे हो वो बहुत ही काबिले तारीफ है। Also my first experience as a producer for any other film, but मला चांगली मराठी बोलायला येत नाही, पर मी कोशिश करणार. ओके, बट आई थिंक आई विल स्पीक इन हिंदी. सो अच्छी, बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्शन का पूरा एक्सपीरियंस, और ये मेरी फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चूज अ मराठी फिल्म, बिकॉज जो रीजनल सिनेमा होती है बहुत अच्छा कंटेंट को आगे लाती है, और आई थिंक बहुत रिसेप्टिव ऑडियंस होती है, छोटी सिनेमा होती है, छोटे सिंपल, जैसे एज नंदिनी सेड के सिम्पलिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट. एंड या हमें ये भाभा का पूरा क्रिएशन, तो ये टीम बैठी है, और इसका थोड़ा बहुत सब्जेक्ट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने बोला 100% ये करना चाहिए. और बाकी मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से जो मेन पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, ये मेरे लाइफ में भी वही है लेकिन पिक्चर में भी यही है. तो हम बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर एसोसिएटेड विद सच अ गुड फिल्म. सर, आपने फिल्म के बारे में जब प्रमोट करना शुरू किया आपके ट्विटर हैंडल पे या सोशल मीडिया पे, तब आपने सुनील दत्त साहब के साथ का आपका कनेक्शन, उसके बारे में भी थोड़ा सा मेंशन किया था, तो उसका इस फिल्म के साथ बाबा का मतलब पिताजी, तो ये कनेक्शन क्या मतलब आपने सोच के किया था या अपने आप हो गया? नहीं, मैंने सोच के नहीं किया था, लेकिन बाबा बाबा ही होता है हर बच्चे के लिए, चाहे वो असली बच्चा हो या ना. तो आई थिंक एक पिता का दर्जा एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर बच्चे के लिए. संजय सर, टू यू एंड द टीम कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म, हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म लग रही है. मेरा आपसे सवाल ये है कि यू आर नोन एज आर बाबा, तो ये जो नाम का सजेशन था आपकी तरफ से था, या ये नाम सुनने के बाद शायद आपने बोला कि वी हैव टू प्रोड्यूस दिस फिल्म? व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड द नेम? द स्टोरी बिहाइंड द नेम इज द डायरेक्टर, आई थिंक. आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, बट आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड आई वाज वेरी हैप्पी के इट इज टाइटल्ड बाबा. नहीं, लेकिन सही कहा आपने कि मैं अभी पेड़ों के साथ और लड़कियों के साथ नाच नहीं सकता, लेकिन I will do some great characters, जैसे मेल गिब्सन करते हैं या डेंजल वॉशिंगटन करते हैं, तो उस किस्म के characters मैं करूँगा. और जी, रॉकी से लेके अब तक काफ़ी लंबी जर्नी रही है, और सीखने को बहुत मिला है, क्योंकि बहुत बड़े एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है और सीखने को बहुत मिला है मुझे. और क्या पूछा सर? एक सवाल ये था कि क्या बाकी कई जैसे हिंदी सिनेमा के एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, मराठी फिल्मों में आप भी नज़र आएंगे? बिल्कुल आऊँगा, अगर ये जैसे डायरेक्टर अगर मेरे पास आए एक अच्छा रोल लेके, तो बिल्कुल करूँगा मराठी सिनेमा, क्यों नहीं.